अच्छा, जिनसे इंसान प्यार करता है अगर वो कभी दूर चले जाए, छिन जाए आपसे, तो तकलीफ बहुत होती है। बड़ी तकलीफ होती है। और वो कभी इंसान भूल नहीं सकता, नहीं भूल सकता, चाहे वो अपने रिश्तेदार हो, आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो जिंदगी में है या जिंदगी में दूर चला गया है या अबदी चला गया है, तो ये रिश्ते जो करीबी होते हैं, खासतौर पर माँ बाप के रिश्ते, वो कभी नहीं। आपका कौन सा ऐसा रिश्ता जो आपको लगता है कि बस ये रिश्ता गया तो किस चीज की इनसिक्योरिटी, कोई ऐसे रिश्ते की होती थी या है? मेरी माँ की, उनके बगैर मेरे आज भी मुझे कुछ अजीब सी हो जाती, कभी कभी तारी हो जाती है कि वो मेरी जिंदगी में ऐसी थी कि जिनका होना मेरे लिए बहुत सहारा था। उनके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यतीम किसको कहते हैं, क्योंकि माँ का वजूद, जब तक मेरी माँ थी तब तक मैं यतीम नहीं थी, लेकिन उनके जाने के बाद एहसास हुआ है। तो ये रिश्ते ऐसे, माँ का रिश्ता ऐसा होता है, बाप का रिश्ता ऐसा होता है कि जो आपकी ज़िंदगी से चले गए तो आप। अच्छा, ये भी समझने की बात है, बहुत सी बदकिस्मत औलाद है जो नहीं भी ये समझती। मैं कहती बहुत बदकिस्मत क्या, मैं तो कहती हूँ उसके लिए तो फिर अजीब सी बात है कि जो अपने माँ बाप को ना अहमियत दे या उनकी कुर्बानियों को ना समझे, उनसे प्यार ना करे। माँ बाप तो होते ही प्यार करने के लिए है। बिल्कुल सही है, तो उनका कोई नेमल बदल भी नहीं होता, नहीं कभी भी नहीं। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।